न जाने वो कंदुक कहाँ गिरा होगा, कहाँ ढूंढें? कंदुक का मिलना आवश्यक है। चिंता ना करो मित्रों, मिल जाएगी कंदुक। शिवर डूबने वाले हैं, हाथ फैलाए पुकार रहे हैं, उन्हें संकट से बचाना ही होगा। हे प्रभु, इस जगत को हर संकट से बचाओ। रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। रक्षा के लिए पुकार रहे हैं वो, उनके प्राण संकट में हैं। नहीं मित्र, वो ऋषि तो मैं युवराज हूँ सुमेरु का, मैं बचाऊंगा उन्हें। सबकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। बचाओ, हमें किसी सांप ने पकड़ लिया। कोई है इधर? कोई है? कोई है? आज अच्छा कार्य किया है मैंने, संकट से बचा लिया इन्हें। प्रणाम ऋषिवर। अब आप सुरक्षित हैं। तुमने मेरा स्नान ध्यान भंग कर दिया, मेरी जलांजलि रोक दी। 12 वर्षों से जो मेरी तपस्या आज पूर्ण होने वाली थी, तुमने वो भंग कर दी। किंतु ऋषिवर, मैंने तो आपको। चुप ही रहो तुम। मनोविनोद के लिए तुमने मेरी तपस्या भंग कर दी। तुम्हें वरदान किसी को तंग करने के लिए नहीं मिले हैं, और मेरा तप भंग करने के लिए मैं तुम्हें श्राप दूंगा। बलबला बलबल, अब तो हनुमान गया काम से अति बल। दे दो श्राप, दे दो। श्राप? यही है सुमेरु। बालक, तुम्हें भुगतना होगा मेरा श्राप। मैं ऋषि लोकेशनाथ आज तुम्हें श्राप देता हूँ। ऋषिवर तो श्राप दे रहे हैं। मित्र, अब हनुमान का क्या होगा? हमें क्षमा कर दीजिए ऋषिवर, हमें क्षमा कर दीजिए ऋषिवर, हमें क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए ऋषिवर। युवराज हनुमान अभी अबोध बालक हैं। हाँ ऋषिवर,
क्षमा कर दीजिए उन्हें, क्षमा कर दीजिए इसे। ये क्या हो रहा है? ऋषिवर मुझे शाप क्यों दे रहे हैं? ऋषिवर, मैंने तो आपको डूबने से। मित्र, क्षमा मांग लो ऋषिवर से। मुझे क्षमा कर दीजिए ऋषिवर, कदाचित मुझसे कोई भूल हो गई है। हाँ ऋषिवर, क्षमा कर दीजिए। बलबला बलबल, ये हनुमान तो सांप से बच गया थी बल। मैं पिछले 12 वर्षों से तपस्या कर रहा था। वो पर्वत देख रहे हो? उस पर्वत पर मेरी कुटिया है। मैं 12 वर्षों से प्रतिदिन इस नदी तक आता हूं अपनी तपस्या करने के लिए। आज मेरी तपस्या का अंतिम दिन था, किंतु युवराज, तुमने मुझे नदी से निकाल कर मेरी 12 वर्षों की तपस्या व्यर्थ कर दी। पंचपन कहाँ रह गया? ये ऋषि और कुछ वानर बालक सुमेरवासी ही लगते हैं। आजा 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 पंचपन, शिवराजा अति शीघ्र। यही है हनुमान जिसके लिए लंकेश ने तुम्हें यहाँ भेजा है। अब हनुमान तू नहीं बचेगा। आजा, आजा। मुझे पुनः 12 वर्षों तक तपस्या करनी पड़ेगी। उतनी दूर से प्रतिदिन मुझे पुनः यहाँ आना पड़ेगा। तो ये भूल हो गई मुझसे। अब कुछ तो करना होगा ऋषिवर के लिए, अपनी भूल तो सुधारनी होगी। ऋषिवर, आप कहें तो मैं आपकी सुविधा के लिए वो कुटिया वहाँ से यहाँ तक लेकर आता हूँ, तब आप यहाँ पर ही तप आदि कर सकते हैं ना? आपको वहाँ तक नहीं जाना पड़ेगा। ओहो, कैसे समझाऊं तुम्हें? मेरी कुटिया जहाँ है वहीं रहने दो। ऋषिवर बताइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं जिससे आपका क्रोध शांत हो जाए? तुम चले जाओ यहाँ से, वही मेरे लिए सबसे बड़ी सेवा होगी। तुम चले जाओ बस यहाँ से। जैसी आपकी आज्ञा ऋषिवर, परंतु मैं तो आपकी सहायता करना चाहता हूँ। ओहो, तुम नहीं जाते तो मैं ही चला जाता हूँ। तुम्हारे पिताश्री से बात करनी पड़ेगी। हनुमान मित्र, ये तो अच्छा नहीं हुआ। अब वो पिता महाराज को सब बता देंगे। किंतु मैं तो उनकी सहायता करना चाहता था। चलो मित्र, घर चलते हैं। अब सारा खेलना तो व्यर्थ ही हो गया है। ये अतिबल कहाँ गया? लगता है ऋषि जी के क्रोध से पहले ही भाग गया। चलो घर चलते हैं। हाँ चलो चलो घर चलते हैं। मी, 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 मी,
ट्रांसफर। पंचपन, मैं अति बल लंकेश रावण का गुप्तचर। तो मुझसे क्या चाहते हो? देखो, तुम्हारा और मेरा उद्देश्य एक ही है, सुमेरु और हनुमान का नाश। अच्छा। अरे 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 ए बलबल, बलबल नहीं अति बल। हाँ हाँ, कुछ भी हो, अगर तुम लंकेश की गुप्तचर नहीं होते तो अब तक मैं तुम्हें खा जाता। जाओ यहाँ से। नहीं नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि मैं तुम्हें हनुमान तक पहुँचने में सहायता। क्या? मुझे किसी से सहायता लेना अच्छा नहीं लगता, समझे तुम? या अपनी तरह से समझाऊं मैं? समझ गया। ये तो बड़ा ही विचित्र प्राणी है, बलबला बलबल। देखो देखो पंचपन, तुम्हें जो भी करना है एक योजना बना के करना चाहिए। अब हम भी तो लंकेश के सेवक हैं, तुम्हारे मन में जो चल रहा है मुझे बताना चाहिए। मेरे मन में क्या है दिखाऊं मैं तुम्हें? हाँ। राजभवन में आ गए होंगे तो माँ और पिताश्री को सब कुछ बता तो नहीं दिया होगा ना? क्या होगा? वहाँ जाकर देखता हूँ। सब ज्ञात है कि तुम कहां से आ रहे हो और तुमने क्या क्या किया वहां पे। बहुत सुख समृद्धि है सुमेरु में। तो सुमेरु वासियों, अब तुम्हारे सुख के दिन समाप्त होने वाले हैं। मेरा विश तुम्हें मेरा दास बना देगा, फिर तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। तो कोई माया भी हस्तो रहे। शुण।
बलबला बलबल के पंचभक्त हो, हाहाकार मचा देगा। अब तुम सब मेरे वश में हो। पिताश्री, मुझसे पुनः भूल हो गई। मुझे क्षमा कर दीजिए ऋषिवर, मुझे लगा आप संकट में हैं। हनुमान, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था। महारानी जी, युवराज को विधिवत शिक्षा की आवश्यकता है, उन्हें विधिवत शिक्षा दिलाइए, तभी इन्हें ज्ञात होगा कि क्या करना उचित है और क्या नहीं, और तभी ये अपने वरदान में प्राप्त शक्तियों का जन कल्याण हेतु उचित प्रयोग कर पाएंगे। चलो हनुमान। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण भव। ऋषिवर, मैं अपने पुत्र के कृत के लिए आपसे क्षमा। नहीं महाराज, क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो कुछ भी हुआ है अज्ञानता के कारण हुआ है। अब मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम। आपका कल्याण हो। महाराज, प्रणाम महाराज। महाराज, हमारे नगर के समीप बहने वाली नदी एकाएक विषाक्त हो गई है। ये क्या कह रहे हो? ये कब हुआ? न जाने क्या हुआ महाराज, एकाएक सभी जलचर प्राणी मरने लगे हैं। नदी के आसपास का सारा जीवन शून्य हो गया है। नदी के जल से जितनी भी वनस्पतियां छू रही थी वो सब काली पड़ गई हैं महाराज। तब तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। चलो चलकर देखते हैं। जी महाराज। मेरे प्यारे सेवकों, आज से मैं तुम सबका स्वामी हूं, इसलिए मैं तुम्हें जो भी आदेश दूंगा उसे मानना तुम्हारा धर्म होगा। तो जाओ, जाओ महामणिकुंड में जाओ, जो मेरा महाविष्कुंड है, और वहां जाकर मेरे आदेश की प्रतीक्षा करो। जाओ। मैं ऐसे क्यों चल रहा हूं? मैं तो अति बल हूं। अब तुम देखना अति बल, कैसे मैं इन सज्जन मनुष्यों को दुर्जन बनाता हूं, कैसे मैं अच्छे मानवों को इन्हीं की मानवता के विरुद्ध अस्त्र बनाता हूं। अति शीघ्र देखोगे तुम। मैं अपना कार्य स्वयं करता हूं, उसके लिए मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं। लंकाधिपति रावण का कार्य कैसे पूर्ण होगा इसकी योजना मैं बना चुका हूं। अतिबल, इन नियमों का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता।
भी नहीं। पुंजिक स्थला। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। ये पीड़ा मुझे भीतर ही भीतर खाए जा रही। किससे कहूं अपने मन की बात? महाराज को बताऊं? माँ को बताऊं? किसी को बता देने से कदाचित ये पीड़ा कम हो जाएगी। सखा सखा, समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कब तक नहीं बताऊंगी सबसे? यदि कल मुझे अचानक जाना पड़ा तो एकाएक सब कैसे सह पाएंगे ये? मैं अब और विलंब नहीं कर सकती। मैं अभी ये सब सच्चाई जाकर बता देती हूँ महाराज को। माँ के पास? सखा, तुमने अच्छा सुझाव दिया। माँ ही इस समस्या का समाधान कर सकती है। चलो माँ। मेरे दास, मेरे सुमेरु के सेवकों, अब से तुम मेरी सेना के सैनिक हो। तुम सब पर मेरे विष का प्रभाव आरंभ हो गया है। शीघ्र ही तुम सब भी अपने विष से दूसरे मनुष्यों को विषाक्त करने के योग्य हो जाओगे और उसके पश्चात तुम लोग जिस किसी पर भी अपने विष का प्रभाव डालोगे वो तुम्हारी तरह हो जाएगा, मेरा दास हो जाएगा। मेरा दास हो जाएगा। अरे ये क्या, सब ऐसे क्यों चल रहे हैं? अरे मुखिया जी, नदी का जल विषैला हो गया है। सभी गांव वालों से बोल दीजिए नदी से जल ना लें। अरे क्या हो गया, कोई उत्तर क्यों नहीं दे रहा है? कोई उत्तर नहीं। अरे कोई उत्तर तक नहीं दिया। ये मुखिया जी और इन सबको क्या हो गया? अरे इन्हें बता दिया ना, अब छोड़ो इनको। चलो चलो महाराज को बताते हैं। हाँ चलो। देवराज आप? पुंजिक स्थला, तुमने क्या सोचकर मेरी आज्ञा की अवहेलना की? क्षमा कीजिए देवराज, आपकी आज्ञा की अवहेलना करने की तो मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकती। सब मैंने इसलिए किया क्योंकि अब मैं माँ हूं। पुंजिक स्थला, तुम तो जानती हो ना कि मृत्यु लोक में सब नश्वर है। तुम्हारा ये पुत्र मोह भी तब तक ही है जब तक तुम्हारी ये देह, उसके पश्चात फिर कौन माँ, कैसा पुत्र? तुम कैसे इस मोह माया के चक्र में उलझ गई?
पुंजिक स्थला, तुम्हारे श्राप की अवधि अब समाप्त हो चुकी है और अब तुम्हारे स्वर्ग में लौटने का समय आ चुका है। माँ को तो यही होना चाहिए था, कहाँ चली गई? चलो, मैं तुम्हें ले जाने के लिए आया। नहीं देवराज, अबोध है मेरा हनुमान, मेरे बिना एक पल भी नहीं रह पाएगा। उसे छोड़कर कैसे जाऊं? पुंजिक स्थला, स्वर्ग संहिता तुम्हें यहां और रुकने की आज्ञा नहीं दे, और स्वर्ग के नियम कोई नहीं तोड़ सकता, इसलिए तुम्हें चलना ही होगा। नहीं देवराज, ऐसा मत कीजिए, बिना बताए चली गई तो सब समाप्त हो जाएगा, मेरे विछोह को कोई नहीं सह पाए, कोई नहीं। प्रणाम युवराज। सुनिए सुनिए सेवक। जी सेवक, आपने माँ को कहीं देखा है? हाँ युवराज, महारानी जी छत की ओर गई हैं। छत की ओर? जी प्रणाम युवराज। माँ ने कहा था अत्यधिक आवश्यकता हो तभी शक्ति का प्रयोग करना। पुंजिक स्थला, ये तुम्हारा पुत्र मोह ही बोल रहा है, ये मिलना पिछड़ना सुख दुख ये सब पृथ्वी के जीवन में होता ही रहता है, किंतु तुम्हें इससे बाहर निकलना होगा। कैसे मैं इस पुत्र मोह से बाहर निकल सकती हूँ देवराज? इस जीवन के 12 वर्ष मैंने मात्र तप किया है, कठोर तप। वर्षा घोर शीत सब सहा है मैंने, तब जाके भगवान शिव ने मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे हनुमान जैसे पुत्र की माँ बनाया। माँ बनने तक का ही तो श्राप था ना पुंजिक स्थला, माँ बनते ही वो श्राप पूर्ण हो गया। और माँ का उत्तरदायित्व, वो भी ऐसे पुत्र की माँ का उत्तरदायित्व जिसे जीवन में बड़े बड़े कार्य करते। देवराज, माँ एक संतान की प्रथम गुरु होती, मुझे अपने पुत्र को पूर्ण हनुमान बनाना है। आज भी मेरी लोरी सुने बिना सोता नहीं है, भोजन भी मेरे हाथों से ही करता है, और आप कह रहे हैं कि मैं उसे छोड़कर चली। किंतु पुंजिक स्थला। नहीं देवराज, नहीं, मैं इतनी निष्ठुर माँ नहीं बन सकती। मैं जानती हूँ जिस प्रकार मेरे प्राण मेरा पुत्र है उसी प्रकार मैं हनुमान का जीवन हूँ, मेरे बिना एक पल भी नहीं रह पाएगा। अबोध है मेरा हनुमान। हनुमान हो या केसरी हो, श्राप की छाया तो उन पर भी पड़ेगी ही, क्योंकि वो तुम्हारा परिवार है। रही बात स्वर्ग के नियमों की, तो स्वयं महादेव भी इन नियमों को नहीं बदल सकते। इसलिए ये तो निश्चित ही है कि तुम्हें सबको छोड़कर वापस जाना होगा, किंतु फिर भी हनुमान के लिए मैं तुम्हें पूर्णिमा तक का समय और देता हूं।
तुम्हें जो भी सिखाना है सिखा दो, तुम्हें जो भी संस्कार देने हैं दे दो। इतने कम समय में? इतने ही समय में तुम्हें जो भी करना है कर लो। पूर्णिमा के पश्चात तुम इस पृथ्वी पर एक क्षण भी और नहीं रह पाओगे। को कष्ट हुआ ना, माँ को मैंने पुनः पीड़ा पहुंचाई। पूर्णिमा के पश्चात तुम इस पृथ्वी पर एक क्षण भी और नहीं रह पाओगे। पुनः रुला दिया ना, माँ मेरे कारण ही आपको दुख उठाना पड़ रहा है ना, आप रोइए मत, नहीं तो मैं भी रोने लगूंगा और मुझे रोता हुआ आप नहीं देख सकती ना माँ। माँ तुम कब बड़े होगे मेरे दाद, कब बड़े होगे? बड़ा होना है, लो अभी हो जाता हूँ। आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किंतु आपके नेत्रों में अश्रु नहीं देख सकता।
तुम सब नगर पर आक्रमण करोगे और समस्त सुमेरु वासियों में विष फैलाकर उन्हें अपने ही समान मेरा सेवक बनाओगे। तब तक तुम सब यहीं पर रहोगे। क्या हुआ पुत्र, नींद नहीं आ रही है? नींद कैसे आएगी माँ, कहीं आप फिर से पहले जैसी दुखी हो गई तो? अच्छा एक बात बताओ, यदि मुझे किसी काम से जाना पड़ा तो तुम स्वयं भोजन कर लोगे ना, किसी को तंग तो नहीं करोगे? और पिताश्री की बात मानोगे ना, कहीं जाना भी हो तो उनकी आज्ञा लेकर जाओगे या उन्हें बता कर जाओगे, है ना? किंतु आप जा कहाँ रही हैं माँ? जहाँ जहाँ आप जाएंगी वहाँ मैं भी आऊंगा। मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। हनुमान के लिए मैं तुम्हें पूर्णिमा तक का समय और देता हूँ। तुम्हें जो भी सिखाना है सिखा दो, तुम्हें जो भी संस्कार देने हैं दे दो, जो भी करना है कर लो। पूर्णिमा के पश्चात तुम इस पृथ्वी पर एक क्षण भी और नहीं रह पाओगे। पुत्र बहुत बातें हो गई, चलो सो जाओ। लोरी सुनाइए ना माँ। पुत्र कब तक लोरी सुनकर सोया करोगे? बड़े हो गए हो, तो युवराज बन गए हो, अब तो लोरी के बिना सोया करो। नेत्र बंद करो, नींद आ जाएगी। अब ये सब तो सीखना होगा तुम्हें पुत्र। सो गया, अब जाकर महाराज को सारा सच बताती हूँ। महाराज बैठक में है, कोई विशेष मंत्रणा चल रही होगी। महाराज उस नदी से ही सारे नगर को पीने के लिए जल मिलता है। नगरवासी ही नहीं बल्कि पशु पक्षी तथा वनस्पति सभी का जीवन जल से ही जुड़ा हुआ है। यदि जल ही पीने योग्य नहीं रहा महाराज तो हमारी सुमेरु राजधानी तो बिना युद्ध के ही नष्ट हो जाएगी। किंतु महाराज आपके कहे अनुसार हमने सारी व्यवस्था कर दी है तथा नदी के आसपास सारे सैनिक तैनात कर दिए गए हैं ताकि उस नदी के जल को कोई छू ना सके। किंतु हमें पूर्णतः सचेत रहना होगा, जब तक नदी का जल पूर्णतः स्वच्छ नहीं हो जाता
तब तक नगरवासियों के लिए जल की वैकल्पिक व्यवस्था भी करनी होगी। इसके लिए आप कुआं खुदवा दीजिए। किंतु महाराज, कुआं खुदवाने में तो अधिक समय लगेगा। अब ऐसे मैं क्या कहूं महाराज से? पहले से ही इतना तनाव है उन्हें, ऊपर से मैं भी अपना दुखड़ा लेकर बैठ जाऊं, अपना दुख क्या सुनाऊं? मैं एक युवराज हूं, मुझे भी कुछ करना चाहिए। इस समस्या को शीघ्र ही सुलझाना होगा। पिताश्री, मैं भी चलूं आपके साथ? तुम जाकर सो जाओ पुत्र, तुम्हारा क्या कार्य वहाँ? पिताश्री, आप ही तो कहते हैं कि मुझे सब कुछ सीखना चाहिए। युवराज हूँ ना सुमेरु का, तो मुझे भी तो सीखना होगा कि प्रजा की समस्या को कैसे सुलझाना चाहिए। हनुमान उचित कह रहा है, इसे भी तो ऐसी समस्याओं के बारे में जानना चाहिए। हमें शीघ्र ही इसे सब कुछ सिखाना है। आप ले जाइए इसे। अभी तक कुआं खोदने का कार्य समाप्त नहीं हुआ। आओ देखते हैं, इतना समय क्यों लग रहा है? अरे यहाँ तो शिलाखंड निकल आया। जल का निकलना जटिल ज्ञात पड़ता है। इतने श्रम के बाद इतनी खुदाई हुई और ये शिला बीच में आ गई। पिताश्री, मैं एक बार प्रयास करूं? पुत्र, ये कुआं खुदाई का कार्य है जो शिला आने के कारण रुक गया। इसमें तुम क्या प्रयास कर सकते हो भला? पिताश्री, प्रयास तो करने दीजिए, बस एक बार। युवराज ने असंभव कार्य को संभव कर दिखाया, ये तो चमत्कार हो गया। केसरी नंदन की जय। 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 हनुमान, हनुमान,
क्या कर रहे हैं हमारे युवराज? जल, कुएं में जल आ गया। हमारे युवराज ने कुआं बना दिया। पुत्र, तुमने जो आज सुमेरु के लिए कार्य किया है, उसके लिए मुझे तुम पर गर्व है। आगे का कार्य मैं संभाल लूंगा। अब तुम भवन लौट जाओ। तुम्हारी माँ प्रतीक्षा कर रही होगी। नागराज, सुमेरु में जल की समस्या समाप्त हो गई है। महाराज, केसरी के पुत्र हनुमान ने कुआं खोद दिया है। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूं नागराज। सुमेरु वासियों में तुम्हें तड़पा तड़पा के मार डालूंगा। उस कुएं का जल भी विषाक्त कर दूंगा मैं। पंचपन, ये सब करके व्यर्थ तुम अपना समय और शक्ति दोनों ही नष्ट कर रहे हो। पंचपन, तुम्हें वो करना चाहिए जो करने के लिए यहाँ आए हो। हनुमान का अंत करना है तुम्हें। अधिबल, मुझे उपदेश देने वाला जीवित नहीं रहता, और तुम मुझे ऐसे समय पर उपदेश दे रहे हो। यदि कुछ करना चाहते हो तो जाओ, उस हनुमान को यहाँ लेकर आओ। हनुमान को यहाँ? क्या हुआ, भयभीत हो गए क्या? नहीं नहीं, मैं भयभीत नहीं हूं, परंतु तुम हनुमान के बारे में जानते नहीं हो। अधिवाल, पांच भान हूं मैं, कालकूट विष के समान पांच विषों का स्वामी हूं मैं। मेरे विष का प्रभाव भी तुम शीघ्र ही देख लोगे। इन्हें देख रहे हो, ये मेरी विशाली सेना के सैनिक हैं। ये सारे सुमेरु नगर में फैल कर सबको विषाक्त कर देंगे। सब हो जाएंगे मेरे दास। मैं जो चाहूंगा वो होगा सुमेरु में, फिर चारों तरफ घृणा होगी, व्यभिचार होगा, लूट मार हाहाकार होगा। बस कैसे भी तुम उस वानर बालक को यहाँ लेकर आओ, मेरे सामने लेकर आओ उस वानर बालक को। ठीक है, ठीक है पंचपन, हनुमान को तो मैं ले आऊंगा। ये तो अतिबल के बाएं हाथ का काम है, बाएं हाथ का काम है। हनुमान, हनुमान, बलबल बलबल, अतिबल। अतिबल, तुम इस वक्त यहाँ? हनुमान, हनुमान, मुझे ज्ञात हो गया हनुमान कि नदी के जल को किसने विषैला किया था।
मैं तो ये बताने के लिए महाराज के पास जा रहा था, किंतु ज्ञात हुआ कि महाराज तो भवन में है ही नहीं। ये तो अच्छा हुआ हनुमान कि तुम दिख गए। अब यदि तुम उसे पकड़ना चाहते हो तो चलो चलो मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ वो कहाँ है। चलो, यदि ऐसा है तो चलो, उसे उसकी करनी का दंड देना ही होगा। चलो मेरे साथ। अरे हनुमान, अरे नल नील, देखो हमारा मित्र अतिबल को कहाँ लिए जा रहा है। चलो देखते हैं। चलो। अरे अरे बलबला बलबल, मुझे उड़ना कदापि अच्छा नहीं लगता, मुझे बहुत भय लगता है, कहीं गिर जाता तो। अतिबल, तुम गिरे कहाँ, बच तो गए। इसे तो बचा लिया तुमने, तुम्हें कौन बचाएगा हनुमान। यही है वो पंचफल जिसने नदी के जल को विषैला किया है। हनुमान, न जाने कितने जीव जंतुओं की हत्या की इसने, इसे छोड़ना मत, दंडित करो इसे। पंचपन, नाम से तो ऐसा ही लग रहा है कि किसी सर्प का नाम हो, किंतु ये पूरी नदी को कैसे विषाक कर सकता है। ये बहुत बड़ा मायावी है, मुझे तो डर लग रहा है। हनुमान जाओ जाओ, इसे दंडित करो, छोड़ना मत इसे, जाओ। तुमने नदी के जल को विषाक्त किया है, मेरा मित्र कह रहा है। हाँ किया है, और शीघ्र ही मुझे सब हनुमान का मृत्युदाता भी कहेंगे। हनुमान का मृत्युदाता। और तुम्हें मारने के लिए तो मुझे सर्प रूप की भी आवश्यकता नहीं है। Thank you.
मायावी नागराज है, इसीलिए इसका नाम पंचफन है।